न्यूज 11 की खास पेशकश बोल जनता बोल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम बात करेंगे पलामू जिले की। इस वक्त हम खड़े हैं मेदिनीनगर नगर निगम के छछानी टोला में और यहां के जनता से जानेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या अब तक उनका क्षेत्र का विकास हो पाया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां की पब्लिक है, साथ में है। आप आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं और क्या अब तक निदान हो पाया है, बताइए क्या मूलभूत समस्याएं हैं। पहला मूलभूत समस्या हमारा रोड का है। रोड यहाँ बहुत ही जर्जर है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। और एक दो ब्रांच रोड ऐसा है वार्ड नंबर 17 में जो कमर भर कीचड़ है। लोग स्कूल, बच्चा जो स्कूल जाते हैं वो कीचड़ में होकर के ही जाते हैं, मतलब वो अपना जूता हाथ में उठाकर आगे बढ़ते हैं। कभी रोड को लेकर कभी किसी अधिकारी या विधायक वगैरह कोई आए कि एक नहीं? बार रोड वो बन भी चुका है लेकिन कुछ दबंग लोग हैं, एक दो लोग जो रोड को रोके हुए हैं और बनने से रोकते हैं। जो बनने के लिए बात होता है तो बात को काटते हैं, मतलब वो दबंगई करते हैं और उनके आगे सब कोई फेल हो जाता है दबंग के आगे। अच्छा, मतलब दबंग के आगे। जनता प्रतिनिधि और अधिकारी दबंग के आगे फेल है, कोई नहीं आते हैं उनके सामने। मात्र दो तीन लोग हैं उनके सामने, कोई मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं आता है, सरकारी अधिकारी नहीं आते हैं और यहाँ के जनता भी नहीं उनके पास बोल पाते। मैंने घोर अभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भी लोग हैं। यहाँ जल के भी बहुत दिक्कत है। जल मैंने कल भी जो है कल बगड़ जा रहा है तो उसमें थोड़ा ऐसा निकलने लग रहा है पानी की कहे का हद हिसाब है। अब चेक कर भी सकते हैं, मैंने जल का सप्लाई वाटर नहीं आता। नहीं नहीं यहाँ नहीं आता है। तो कहाँ से फिर पानी का यूज करते हैं? पानी अब मान लीजिए कल है उसी से प्रयास करके मैंने करते हैं। और कुछ समस्या है, आवास वगैरह कुछ मिला है आप तो? नहीं, आवास वास नहीं मिला है लेकिन फिर भी जब जीवन पोषना है तो पहले पानी और दाना के ना पहले जरूर होना चाहिए। फिर तब तो मान लीजिए झोपड़ी हम कही है, अब देवेंगे तबे ना बनेगा, अब नहीं देवेंगे तो कहाँ से बनेगा। क्या कहते हैं किसको, क्या कहते हैं जब आप लोग आवास के लिए मांगने जाते तो क्या कहा जाता? अरे तो लिखवा वाला तो कितना लिखवाते हैं लेकिन भाई अब ऑर्डर से आएगा तबे ना, अब हम कैसे कह सकते हैं। काफी समस्या, और भी लोग हैं इनसे जानते हैं क्या क्या आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं, क्या क्या है जो अब तक नियंत्रण चलते आ रही है। हमारा जो सबसे जो वार्ड की जो मुख्य समस्या है वो रोड है, पानी की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, उसके बाद बिजली की समस्या है और बहुत का जो जैसे हरिजन में जो आते हैं उनके लिए तो घर नहीं है रहने के लिए, भी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। सबसे दुर्भाग्य है कि आज तक छछानी टोला में जितने भी न विधायक आए हैं न सांसद आए हैं और जो वार्ड सदस्य है उनकी भी भूमिका बहुत नगण्य है, नहीं के बराबर है बहुत। अभी का जो मेन जो समस्या हमारा है जो मेदिनीनगर हम लोग का जो मेन रास्ता है चलने वाला वो इतने जर्जर है, गड्ढे में तब्दील है कि आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है उनको। कुछ छोटे छोटे जो गांव बस्ती टाइप के हैं उनका रास्ता भी बहुत खराब है और सबसे समस्या है पीने का पानी। आज पीने का पानी बहुत से टोलों जो हमारे टोले हैं उसमें है ही नहीं पानी, वहाँ के लोग काफी मकसद के 1-2 किलोमीटर चल के और पानी पीते हैं लाते हैं और उसके वो करते हैं। दूसरा चीज सबसे है जो अभी रहने का ही सबका व्यवस्था खराब है, कुछ टोले जो हरिजन का 2-3 टोला है उसमें रहने का नहीं है, झोपड़ी लगा के सब रह रहे हैं। आज तक इनको बहुत से गरीबों का बूढ़े जो है उनको वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं बना है और कुछ का तो घर ही नहीं है, आज भी वो प्लास्टिक के टप्पर लेके और अभी तक वो रह रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से निश्चित रूप से दिया गया है कि जो गरीब तबके के लोग उनको आवाज दिया जाए, उनकी जो सरकारी सुविधाएं उन तक पहुंचाया जाए। आखिर कहाँ कमियां नजर आ रही है आपको, क्या सरकारी कर्मचारी आ रही है, जनप्रतिनिधि विधायक हो या कोई वो आते नहीं है? ये तो सबसे मेन है जो जनप्रतिनिधि है उनको इनके बारे में कोई सोचना नहीं है, सोचते ही नहीं उनके बारे में। और आज तक तो सांसद महोदय तक नहीं आए, ये रेड़मा बस्ती कैसा है उनको भी पता नहीं होगा। वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट लेके चल जाते हैं, मगर दुर्भाग्य है कि ये सिर्फ सरकार के जो वादे हैं वो कॉपी कलम में ही हैं। और विधायक का भी स्थिति है कि आते नहीं है, जानते नहीं है तो कुछ कार्य होता नहीं है, इस वजह से काफी लोग के यहाँ दुखी हैं, कुछ होने नहीं पा रहा है।
तो आपने सुना विधायक जी किस तरह से नाराज भी हैं आपसे, आप कम से कम आया कीजिए और देखा कीजिए कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। हाँ बाबा बताओ क्या क्या समस्या हम कहा पल। अच्छा रहुआ बताओ है? नहीं, जो तकलीफ है तो बोलना ही ना होगा, हम इनकी है बाकी घर दुरा देखे। अच्छा तो अभी कैसे रहेंगे? झोपड़ी मड़े लगा के तो पानी उनी बरसात वरसात के दिनों तो काफी तिरपाल चढ़ पानी के तो दिक्कत है बाबा जाला। हाँ, गाँव में कहा के पानी इतना पानी में पार हो जाकर चेक कर चेक कर लो आवे जाए के तकलीफ यही बा आवे जाए के रास्ता अब पानी के तकलीफ बा अब घर दौरा तो समझ आओ कि सरकार देते बड़ा कबला मिली कि नहीं मिली से कोई टेक नहीं। अच्छा मैंने यहाँ के अफसर लोग नहीं दे ना यहाँ कहा कोई अलते नहीं जनप्रतिनिधि लोग ना कोई नहीं खन है मुखियो यहाँ बड़ा ना जी तितो बड़ा सब कुछ कहेंगे खाली यहाँ खाली वोट लेवे खाली। हाँ वोट ले लेकिन कल 20 जनवरी को खुला हुआ है चापाकल आज तक नहीं बना घर बनाने के लिए जितना आवास पास हुआ था दीनदयाल आवास वो कटवा दिया लोग तो क्या करें वो झोपड़ी में रह रहे हैं गिर रहा है उसी में रह रहे हैं न रोड है न बिजली है पानी है कुछ है ये नहीं है। इधर सुने कि प्रधानमंत्री आशीर्वाद मिल रहा है 2000-3000 रुपया वो आज तक आने का नहीं है 6 महीना वो हो गया अभी तक नहीं मिला कुछ नहीं मिल रहा है। आपको वृद्धा पेंशन वगैरह सब मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिलता है झूठा है बोलेंगे मिलता है। हाँ उसमें झूठ नहीं बोले मिलेगा। बाकी और क्या क्या है आपके और? कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया कुछ नहीं झोपड़ी भी नहीं बना झोपड़ी कट गया। कभी कोई अफसर देखने नहीं कोई नहीं आता है कागज में पूरा होता है कलम यहाँ पर। अब विधायक लोग जो जीत के जाते कुछ हैं कुछ नहीं बस वो है हाथ जोड़ने आते हैं और हाथ जोड़ करके जीत के चले जाते हैं कोई देखने नहीं कोई देखने नहीं आता है उनका हाकिम कल है। सड़क का स्थिति कैसे? सड़क का स्थिति तो हजूर अब किए हम कहीं कुछ नहीं है इतना पानी भैंस बोल रहा है रोड में न चौरसिया जी आए न वो संजय जी आ रहा है न वो आ रहा है वो आ रहा कहीं कुछ नहीं है। 20 जनवरी के कल खुला हुआ से अभी तक बना नहीं। देख लीजिए विधायक जी कितनी नाराजगी है यहाँ के लोगों को आपके द्वारा, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी कार्य जो है सिर्फ कागजों में होती है यहाँ के जैसे लोगों ने बताया। और भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे साथ महिला भी है उनसे भी जानते हैं क्या क्या समस्या है। तबियत खराब हो जाता था हमें देखे की टांग के पीठ पर टांग के रोड पर पहुँचावलन तो हम इन गाड़ी से हॉस्पिटल जाएगा। अब यह समस्या बहन आपका हमन के हमें झला झोपड़ी अपन छा छा के ओकरे में रह थी पानी चुहत बात पानी छा छा के छान छान के रहा थी और कुछ मिलते नहीं के हम लेब कहाँ से हमन के विधायक वालन तो जीत के अपना अपना घर मटिया देवलन हमन के समस्या का कोई हल करबे नहीं करत तो का हम कर कैसे रहते होंगे पानी बरसात का दिन है वैसे छान छान के रहली बैठ के बिहान कर जो भी है बैठ बैठ के बिहान कर ली पानी मारल तो का करूँ ओकरे में चुहला तो ओकरे में न गुजर करूँ। कोई भी अफसर बाबू या यहाँ के मुखिया ओके या जनप्रतिनिधि कोई नहीं आते हैं? नहीं कोई नहीं देखते हैं यहाँ। आप कभी की उनसे नहीं शिकायत की कि भाई हम बरसात में कैसे हैं? लिखवाए हैं कागज दूध खुना कागज पेश किए हैं लिखवाए हैं पेपर दिए हैं मगर कहीं सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा स्वास्थ्य का सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है स्वास्थ्य कार्ड के लिए, क्या वो बना है आप लोग का गोल्डन कार्ड जो बोलते हैं उसको स्वास्थ्य कार्ड स्वास्थ्य कार्ड जिसे इलाज वलाज होता है फ्री में सरकार जो दिया वो बना है आप लोग का? बना है आयुष्मान भारत के तहत। हाँ बना है। उससे लाभ मिल रहा है? ना कुछ नहीं लाभ मिला है खाली मिला है घर में धर दिए हैं उससे लाभ अभी कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा ठीक और भी है हमारे साथ चाची तो वो बताऊँ का तकलीफ बात यहाँ सबके ये सब तकलीफ बा के रोड के दिक्कत बा पानी के दिक्कत बा हिन घर दूरा के दिक्कत बा सब चुहत बा कैसे छोप छाप के रहत ही अब का समस्या के बताऊँ ये दिक्कत बा हिन हम इनके अब भरते ही सब तो वहाँ अथिये गोल हो जात बा कागजे गोल हो जात बा की हये नखबा नाम ठेकान कुछ न खबा कहाँ से मिलता बा की बोलता है कि कागज गोल हो जाता है अब भरत यहाँ से अब कोई अब सारे न कोई अथी कर कोई है यहाँ के वार्ड सदस्य बड़न से जीतल बड़न वो कोई टोला में घूर के नहीं देख लकी का समस्या बा से वो का दिक्कत बा केकरो से मैंने वो घूर के नहीं देखल ना सवाल लेल कि का दिक्कत बा हिन से तोरन के हमी पूर्ति करब
कहियो नहीं घूरल। राशन उशन मिलता है? राशन मिलल, राशन मिलल, विधवा पेंशन मिलल, लेकिन घर दूरा के दिक्कत बा, रोड के दिक्कत बा, कल कुआ के दिक्कत बा, पानी के व्यवस्था नहीं के हमनी के। बिजली बिजली का का बिजली बिजली मिलल बा, सब मिलल, बिजलियो मिलल बा। हाँ, लेकिन अब लाइन हाले फिलहाल में ही मिलल बा, वो तकरार से आयल बा, बड़ी लड़ाई झगड़ा से। पोल दूसर कोई देले बा, सरकारी पोल नहीं गड़ल, दूसर कोई पोल देले बहन तो वो गड़ाइल बा हमन के दुहारी पर। काफी समस्याएं हैं यहाँ पे और भी हैं। चाची बताऊँ आपकी? अब हमारा घर झोपड़ी बा, रास्ता बा, चले के अथी साधन बा, दाना भेटल बा, आधार अथी राशन कार्ड एगो के भेटल सब बंद कर देल 6 महीना से। हम 10 गो के कथी 10 पर कमाए तो खाए नहीं कमाते नहीं खाए। राशन नहीं मिल रहा है ना, का है क्या कारण बताया जा रहा है? कारण बताते हैं, कहे 3-4 खबा दिली उनका लिख लिख के फोटो डाली, सब नहीं सुन रहा है, बोला के दूरा पर से कल के नहीं देबो मन कर गूगल दबा दे। इसकी शिकायत कभी अपने यहाँ आपके वार्ड के सदस्य को या मुखिया को कभी वार्ड पार्षद को नहीं बोले? 4 खबा गली दूरा पर बोला के बोला के अके नहीं कर के न छोड़ के न कर बढ़ के तो आ गई कमात बा बेटा तो चला था नहीं। 6 महीना से घर और मिलल बा कुछ ना, झोपड़ी पड़ोसी चढ़ा के रहती और शौचालय जो ना कुछ ना कुछ रखा शौचालय नहीं मिलल कुछ ना। कल बा कल एगो हो बात में सबके पानी हुई पियल है के वो कर पास है जितना बस्ती ही ना जितना सब एक तक से पानी। हां सर कुछ बोला तो वो बोलवाऊं एके बतिया बा है अपन वृद्धा पेंशन ले लो बोलू का का बटे हमरा वृद्धा पेंशन नहीं के मिला, राशन उशन सब मिला ला, अब ये घर द्वार के देखो कि हमन के व्यवस्था नहीं खे, जगह जमीन के व्यवस्था नहीं खे, रोड के व्यवस्था नहीं खे, ये समस्या बा। तो यहाँ पे काफी समस्याएं हैं जो निरंतर चलती आ रही हैं। अब विधायक जी आपको भी लोग कोस रहे हैं, यहाँ जो सरकार की तरफ से जो चलने वाली योजनाएं हैं, आवास, शौचालय, यहाँ तक कि कुछ लोगों को राशन तक भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही दुखद है। जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही सारी योजनाओं को सरकार कहती है सीधे कि हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करे, लेकिन अफसोस इसी बात का देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ कागजों में ही रह जाता है। यहाँ के लोग जो है काफी निराश भी है और गुस्से में भी है। आप कहीं मत जाइए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। बात आज तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की, आज हम यहाँ खड़े हैं छेछानी टोला में है और यहाँ की जनताओं के साथ उनकी समस्याओं के बारे में बात विचार कर रहे हैं। हमारे साथ अभी और भी कई महिलाएं जो हैं यहाँ पे आई हुई हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ जो है उनको सुविधा मिला है, जो सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही योजनाएं हैं जो खासतौर से महिलाओं के लिए और जो भी योजना है सरकारी योजना इन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है और क्या तकलीफ है, इनसे भी हम जानते हैं इनकी जुबानी की क्या कहती है यहाँ की जनता। आप बताऊँ सर पे यहाँ रोड नहीं के मिलत ना, अथी बहन ना कल कुआ नहीं के मिलत ना, अथी रहने के बहन साधन कुछ कॉलोनी तलोनी कुछ नहीं के, इमाला में कुछ मिलवे नहीं करत बा। का है का कारण बताओ कुछ यहाँ के कोई ये नहीं के आवे वाला, जाके देखूं घर घर जुआ के देख ली कि का स्थिति में हम इन टोला में जाके देख लो। वोट मांगने तो आते होंगे ना, जाओ ना अभी वो चुल्हनिया पर खाना बनाओ गरा कर दो, टोला में जाके देख लो, कुछ जाके देखो घर घर की का हम स्थिति में रह गए बोलते चाहा भाई बन। आप तो राशन उशन मिलता है? राशन तो मिला, राशन मिलता है राशन मम्मी के 60 साल परिवार के हो गया, हम 30-40 तो हो गए बाकी वृद्धा पेंशन नहीं हम को कोई के मिला ले बस। अच्छा, और स्वास्थ्य संबंधी जो कार्ड है वो कार्ड मिला है आप लोग को? हाँ, स्वास्थ्य वाला जो कार्ड है तो उसका लाभ उठा रही है आप लोग? आप लोग को मिल रहा है आयुष्मान भारत के तहत? ना मिलल बा।
सब पूरा बस्ती के यही स्थिति बा, कोई नहीं ढुक सकला की महला में का बा। चारों भर कॉलोनी सोलोनी सगरो रोड बत्ती सब, बाकी हमें भी बच्चा लोग तो पढ़ने जाता होगा तुम लोग को? हमारे तो बच्चा लोग सब सियान सियान बड़न बिया शादी सब के। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। और भी हमारे साथ हैं, बताइए क्या क्या समस्या है आपको? हमारे राशन कार्ड नहीं थे, औंठ लगा जाले तो औंठ हम देबे नहीं करना है। कहलन जे राशन कार्ड में नाम नहीं थे, नाम बहिन राशन कार्ड में, मगर नहीं देवल हम राशन। अच्छा, वह चलते हम राशन नहीं छुटकावे जाले, राशनों छुटकावे जाले तो कहलन जे नहीं सा उठा घर घर में झगड़ा होत बहन राशन कार्ड खाते। ये के चलते हम उनके राशन कार्ड अलग बनल चाहिए, जय गो भाई बड़न तो एगो बन ही लन चाहिए अलग, वह के चलते हम राशन छुटकावे नहीं जाले। अब देखो घर दूर बहन, घर दूर नन्हे नन्हे बहन, और पानी सानी चुबे कर ला है, तो जगह जमीन नहीं खे जेव तनी मनी बहन वह में दबाव डालते बड़न, और अलो बहन लिस्ट में नाम वह में दबाव डालते बड़न जो नहीं सबके जगह जमीन नहीं खे तो कहाँ छह घर दूर है। वह के चलते अब कोल्ली अब घूर के जेबे न करे नहीं अथी करी हम तो फिर वही दी है। और भी यहाँ पे लोग हैं, और बताइए है सर सरकार के तरफ से, तो हम की बाथरूम हो गए, लाइन हो गए, बाकी एगो घर अभी हम इनके नहीं खेल इंदिरा आवास के लोग। अच्छा, शौचालय मिलल बा? हाँ, शौचालय मिल गए, शौचालय का प्रयोग करेंगे? हाँ, शौचालय भी मिल गए, लाइन भी मिल गए। अच्छा, घर यहाँ नीचे मिलल घर हुए प्लास्टिक में टंगले, ये घर घर देखती तब न पता चल। तो कैसे रहते होंगे बरसात के दिनों में? अगर कहे प्लास्टिक 900 के टंगले ही है ऊपर, वही रहा थी ऊपर में। अच्छा, राशन मिलल सड़कों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़क की का आधा पर से पक्का बनल बा, आधा पर से उन्हें हिल उठल बका दो, अब उन्हों बनते तबे ना उन्हें हम इन्हें के टोला देना आधा पर से नीचे बनल, और रोड में सबसे पानी बहुत बहे एकदम सबसे गलीज हो गया। और भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे साथ एक बूढ़ी दादी माँ भी है, उनसे भी जानते हैं। हाँ दादी बताओ क्या परेशानी बात है? घर नीचे मिलल? अच्छा, रहुआ वृद्धा पेंशन मिलेगा? पैसा आवे ला खाता में? अच्छा, ये स्वास्थ्य कार्ड वाला जो रहे ला, सरकार जो बनेले भी है स्वास्थ्य वाला आयुष्मान भारत का, तो बनल बा? कार्ड से इस्तेमाल करी नहीं? अरे बोला 5 लाख वाला, 5 लाख का जो बीमा सरकार जो नहीं खे बना, उन्हें खे बना ना, नहीं खे बना। राशन राशन मिले ला? राशन जाए 5 किलो मिले ला? राशन मिल जाए? नहीं लगी का? नहीं लगी खे बने लगाई? अच्छा, तो का का लावली उठवा नहीं लगाई? अच्छा, हां दौड़ते दौड़ते जाके मिला ला। और का का चीज मिलेला सरकार के तरफ से जो सरकारी योजना बाटे लाभ बाऊ का का मिलेला? कुछ नहीं, खाली काम मिली। का का मिलल बा अभी तक रहुआ? अभी कुछ नहीं मिलल हमरा, कुछ नहीं, कुछ ना ना। का कहलन लोग यहाँ के, यहाँ के वार्ड पार्षद सबके तो गैस गैस दे देलन, हमरा कुछ नहीं। तो कैसे खाना कैसे बनेला? लकड़ी झुरी बिनी लोग बना के खाई ला का कर? अब बरसात के दिनों में पानी उनी बरसेला तो कैसे होखे? ले ली ला बैठा सोठा आप चाची बताओ चूल्हा वाला मिलल बाटे? कैसे खाना उना कैसे बनेगा? लकड़ी जुड़ी बरसात के दिन में? बरसात दिन में का करिए, चिपड़ी उठा ले नहीं गुल्ले मिल लगो का चुपचाप रह जा का कर। सरकार के तरफ से का का चीज मिल बटे? सरकार के तरफ कुछ के हमके मिलल, हमरा मिल एक दिन रक्त मिला लही, ये राशन मिला ला, तो जो जब ठेपा जब ले गई ना तो नहीं लेवे तो कहा कि जो नहीं लेता था बनल बाटे
अरे शौचालय कहती गढ़ा इधर सरकार के गति बनाते रहती गढ़ा खाना शौचालय वो कहो ना जब ओकरा में पूछे तू करबे नहीं की करत तू कहल जुटो के खाली से खड़ा कर बता जा तो अथी दूध वही का देखे अब इस लोगों के गढ़ा अब कहा कोई काम के नहीं वही कमयाब नहीं यूज ना करे ना कुछ नहीं तो शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं वो ने दम कहाँ में उन्हें वहाँ का लीला करो बरसात के दिनों में तो दिक्कत बरसात के दिनों में तो दिक्कत होता होगा साफ दिक्कत देर दिक्कत कादो में ज्यादा से जाए या भाई ने तब रोड भाई तीन तीन दिन तक चल जाए तो क्या कर बताइए कितनी दिक्कत है एक तरफ सरकार कहती है कि घर घर शौचालय बना है लेकिन यहाँ पे शौचालय ही नहीं है बूढ़ी माता ने जैसे बताया कि उन्हें शौचालय के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और डर भी बना रहता है और भी हमारे साथ हैं उनसे भी जानते हैं क्या है हाँ बताइए ऊंचा जी कहाँ मिल रहा बटे सरकार के तरफ से उसके अलावा क्या काम मिल रहा बटे और आवास वास का क्या स्थिति बैठे देख ले देखे की चीज बाना में तो नहीं लुकावल शौचालय के क्या स्थिति बा शौचालय हो नहीं कहते इतना खपड़ा अरे गहरा खानल बा अगर धाजा खड़ा हो बहन तो हमन के वृद्धा पेंशन नहीं हो गई कमाई जी को हमन कमाई जी को रिया तो काफी यहाँ पे दिक्कत है और भी हमारे साथ हैं उनसे भी हम जानते हैं बूढ़ी माता जी है हमारी जी दादी बताएंगे क्या कर वो सबके दिक्कत बाटे क्या काम मिले दादी वृद्धा पेंशन मिले ला हमरा कुछ नहीं मिले बाबू हम वो सब पूछा था हाँ बताऊँ वृद्धा पेंशन मिले ला घर नीचे सूचना नीचे काहे घर काहे नहीं खे बा घर बा माने आवास वाला योजना मिलल बा नहीं का कहलन मैं हम कहा कि जे हमरा कॉलोनी नहीं खे मिलल अच्छा अथी पानी के साधन नहीं खे अच्छा पानियों के साधन नहीं तो आवास खातिर रउआ बोलले हो हम ना तो अभी तक का कहलन अफसर लोग आके कहाँ कुछ हुआ अभी तक नहीं खेला खाली फार्म भर के गया है हाँ दादी रोबा कुछ कहा था नहीं हमरा नीचे अथी भी भय पैसा में नीचे भय और घर दूरा नहीं थे पानी के अथी बा तकलीफ बा हमारा तीन गो बेटा वाले तीनों में घरे को नहीं सप्लाई पानी नहीं आता है ना नहीं ना खाया वो कहाँ वो थे ये मन हो गए आवास आवास भी नहीं मिला ना कुछ नहीं अच्छा शौचालय बनल बा कि नहीं ना कुछ नहीं बनल बाबू तब शौचालय के लिए फिर कहाँ उपयोग करते हैं तो हमारे पैसा में कैसे हो कुछ नहीं क्या हमारा आप कुछ बता रही थी कुछ नहीं दादी के लिए बता रहे थे ना पैसा ना है ना शौचालय है ना पानी का सब चीज का कुछ नहीं किया तीन को बेटा बाहर जाना पड़ता है घर दूर सुने वा घर दूर अपना नहीं किया तीन को बेटा हम बताऊँ चाची का काम मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कुछ ना अभी तक ना हमारा कुछ नहीं मिला कहना नहीं मिला कुछ नहीं मिले तो शौचालय करे तो बहुत दिक्कत होती है बहुत दिक्कत एगो लड़का रहे वो परदेश भाग गए कभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो आते हैं जिनको आप वोट दे के जिताए थे वो आते हैं ना कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आप उनके पास आप लोग जाते हैं कि हमारे यहाँ समस्या है ये है तो क्या बोलते हैं कुछ नहीं कुछ है ये नहीं खेत है कुछ नहीं खेत ना सब बिजली बिजली आए ला हाँ बिजली चाहिए सड़क सड़क के पास थी सड़क गिंजना बस सड़क नहीं तो बच्चा लोग तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता होगा चाहे बरसात के दिनों में कभी कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे कैसे करें कीचड़ में तो सुना निकल गया रोड के बाद में कोई सुना निकल गया रोड के बहुत दिक्कत था पानी रोड के बाद में ही अब सूचना पानी के बहुत दिक्कत है शौचालय नहीं है जिस तरह से दादी लोग कुछ नहीं हमारे साथ एक क्या कुछ मिला है क्या कुछ हुआ यहाँ लाइन का स्थिति सही नहीं है साथ में ज्यादातर लाइट कट दिया जाता है और जब कंप्लेन किया जाता है कि लाइट नहीं है तो बोला जाता है कि लाइट का काम चल रहा है और ये लाइट का काम नहीं है सिर्फ बहाना है क्योंकि लाइट का काम सिर्फ बरसात में ही क्यों चलता है बरसात से पहले भी तो लाइट का काम किया जा सकता है कहीं भी रोड सही नहीं है आप घूम से खुद
घूमकर खुद से देख सकते हैं कहीं पे रोड सही नहीं है, हर जगह गड्ढा है, बरसात के दिन पूरा पानी जमा हो जाता है, कीचड़ में घुस के पार होना पड़ता है। एक यहाँ पे भगवान का एक भगवान के यहाँ पे स्थान है, वहाँ पे भी अब जाके देख सकते हैं पार होने का रास्ता नहीं है, बाइक क्या पैदल से पैदल भी आप नहीं जा पाइए। रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे कुछ नहीं, टांग के अपना जैसे तैसे करके अपना लेके जाना पड़ता है क्योंकि रोड कहीं सही नहीं है। आप यही देखिए ना, मेन रोड आता है, मतलब यहाँ गांव का सबसे मतलब मेन रोड यही है, और ये देखिए गांव का रोड का क्या स्थिति आप देख सकते हैं। विधायक लोग आते हैं? नहीं, कोई नहीं, ढूंढना पड़ता उनको। विधायक आज तक आए ही नहीं है, विधायक आलोक चौरसिया आज तक आए ही नहीं है, और जाने के बाद बोलते हैं, यहाँ के लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको रड़मा का आदमी वोट नहीं दिया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सुन लीजिए विधायक जी, काफी नाराज है यहाँ के लोग, आप कभी आइए इस क्षेत्र में और यहाँ की लोगों से मिलिए, इनकी समस्याओं को सुनिए, इनकी समस्याओं को निदान कीजिए। यहाँ कोई का साधन नहीं। हम आपको बता दें कि आज हमने यहाँ के लोगों से बात की, काफी समस्याएं से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। अब फिर आप लोगों से मिलेंगे किसी नए जगह पे, किसी नए क्षेत्र में, अन्य वहाँ के समस्याओं के साथ आपसे मिलेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे आप लोगों को। मैं संतोष श्रीवास्तव पलामू से, न्यूज 11, क्योंकि सच है तो दिखेगा।